एक विमेन को करियर ओरिएंटेड होना आज के टाइम की डिमांड है, और जो टाइम के अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं करेगा, खुद में चेंजेस नहीं लाएगा, वो पीछे रह जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी पीछे रहना या फिर भीड़ का हिस्सा होना पसंद है। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर, मैं हूँ आपकी फ्रेंड आराधना। हम अपने लिए बेस्ट करियर का चॉइस कैसे करें, कैसे सेलेक्ट करें कि ये करियर ऑप्शन हमारे लिए सही है या नहीं, हम सब इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। और अगर आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब तो ये कन्फ्यूजन और बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। एक तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और कई जॉब्स के लिए हमारी एज लिमिट खत्म हो चुकी होती है, तो ये ऑप्शन हमारे लिए और भी कम हो जाता है, और फिर कन्फ्यूजन और भी बढ़ जाती है। अपने लिए बेस्ट करियर ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले जो आपकी ड्रीम लाइफ थी ना, उसको इमेजिन करिए कि आपको कैसी लाइफ चाहिए थी और कैसी लाइफ आपको मिली है। आप एग्जैक्टली अपनी ड्रीम लाइफ तो नहीं पा सकती हैं, बट नियर अबाउट अपने ड्रीम लाइफ के जा सकती हैं अपने बेस्ट करियर ऑप्शन चूज करके। आपको सबसे पहला काम जो करना है वो यही कि अपनी ड्रीम लाइफ को इमेजिन करिए, एंड देन जो आपकी प्रायोरिटीज़ है उसको एक पेपर पे नोट डाउन करिए कि आपकी लाइफ में सबसे पहले आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए, सोशल रिस्पेक्ट चाहिए, या फिर मनी, या फिर फैमिली। मतलब हर किसी की जो प्रायोरिटीज़ होती है वो अलग होती है, तो आपको एकदम क्लियर रहना है कि आपकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटी क्या है, तभी आप अपने लिए बेस्ट जो करियर ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं आफ्टर मैरिज जो हमारी विमेन फ्रेंड्स हैं, मैं उनकी बात करूं, तो एक तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं हैं, और फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी तो हमारी एज जा चुकी होती है, और कुछ जो बची भी हैं उनमें भी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मोस्टली 4 से 5 साल ही बचे होते हैं हमारे पास उनके लिए भी। तो आप जब क्लियर रहेंगी अपने गोल को लेकर के, तभी आप अपना पूरा फोकस दे पाएंगी। तो आप अपना गोल कैसे डिसाइड करेंगी, इसके लिए आपको ट्रिक बताती हूँ कि जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं, सबसे पहले आप अपने ऑप्शंस को एक पेपर पे नोट डाउन करिए कि आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, कि नर्सिंग फील्ड में जाना है, कि बैंकिंग में जाना है, या फिर UPSC। जो भी है आपके पास ऑप्शंस, अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आप सबसे पहले उनको नोट डाउन करिए। एंड देन अब देखिए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, अभी आगे आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ पाएंगे कि नहीं, आपका जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है वो इससे फुलफिल हो पाएगा कि नहीं, सोशल रिस्पेक्ट या फिर मनी, फैमिली, जो भी आपकी प्रायोरिटी है, टीचिंग फील्ड में जाने पे आपका वो फुलफिल होगा कि नहीं, आप पहले ये डिसाइड करिए। देन अगर ये नहीं होता है, फिर आप अपने सेकेंड ऑप्शन पे आइए। सपोज आप बैंकिंग के लिए कर रही हैं, तो बैंकिंग के लिए आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, कितना आपको पढ़ना पड़ेगा, आप कितना टाइम दे पाएंगी, आपको मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन बैंकिंग फील्ड में जाने पे मिलेगा कि नहीं, मनी उतनी मिलेगी कि नहीं, हर चीज़ जो है सबको आप नोट डाउन करिए, और तब चेक करिए कि कौन से सेक्टर में जाने से आपकी सारी नीड्स फुलफिल होंगी। जिस ऑप्शन में आपकी सारी प्रायोरिटीज आ रही हैं वो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और जब आप अपना गोल डिसाइड कर ले रही हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना 100% दीजिए इसमें, बिकॉज आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, हार्डली 4 से 5 साल ही हैं, तो बाद में फिर इसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगी। इसीलिए आप अपना 100% दीजिए जो भी आप अपना गोल डिसाइड कर रहे हैं। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं अपने करियर को लेकर के कि आप किस सेक्टर में जाए, तो एक बार ये ट्रिक जरूर अप्लाई करिए और अपने लिए बेस्ट करियर ऑप्शन सेलेक्ट करिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।